आज का जो हमारा टॉपिक है MEG02 के ब्लॉक 6 का यूनिट 1। उससे पहले MEG से रिलेटेड सारी जानकारी को एक्सेस करने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए इग्नू एमए इंग्लिश MEG, जहाँ पे आपको MEG से रिलेटेड साथ ही में इग्नू से भी रिलेटेड सारी जानकारी आप यहीं से एक्सेस कर पाओगे। फॉर क्विक एंड रेगुलर अपडेट्स डू ज्वाइन आर व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक इज ऑलरेडी मैंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, साथ ही में कॉमेंट में भी मैंने पिन कर दिया इग्नू MEG अपडेट्स। देखो ब्लॉक 6 क्या है, बर्नर्ड शॉ की पिग्मेलियन। सबसे पहला जो टॉपिक है ना यूनिट 1 का, वो क्या कहता है कि इंग्लिश ड्रामा फ्रॉम 1662 बर्नर्ड शॉ तक और उनकी यूरोपियन बैकग्राउंड क्या रही है। जो क्लोजर रहा है इंग्लिश थिएटर का इन 1642 में, वो एक मार्क रहा है एंड ऑफ फ्लरिशिंग एरा इन इंग्लिश ड्रामा। हाउएवर ड्यूरिंग द इंटरग्रेनम जो क्लैंडेस्टाइन परफॉर्मेंसेज हुए हैं और पॉपुलर इंटरटेनमेंट्स हुए हैं परसिस्ट किया है डिस्पाइट प्यूरिटन रिपर्शन को, और जो रीओपनिंग हुई है थिएटर की इन 1660 अंडर चार्ल्स टू अनशेड अ न्यू एरा इन्फ्लुएंस किसके द्वारा, फ्रेंच ड्रामेटिक ट्रेडिशंस के द्वारा, पर्टिकुलरली द ग्रैंड ट्रेजेडी और ऑफ कोरोनाल एंड कॉमेडिक सक्सेस ऑफ मोलेरल, जो कि रीस्टोरेशन पीरियड रहा है एम्ब्रेज्ड रीजन का, और साथ ही में वो एक इम्पेरिसम एंड लाइसेंस भी रहा है। इट ऑल्सो सॉ जो रिवाइवल हुआ है प्री 1642 के अराउंड, थियरिटिकल ट्रेंड्स जो आए हैं, जो रीस्टोरेशन थिएटर रहा है जिसने फ्रेंच मॉडल को फॉलो किया है, जो कि अंडर एंड बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस गए हैं विद इंक्लोज ऑडिटोरियम्स, आर्टिफिशियल लाइटनिंग जो इंट्रोडक्शन हुआ एक्ट्रेसेस का स्टेज पे, रिस्टोरेशन ट्रेजेडीज जैसे कि ट्रेगेडियंस जैसे कि ड्राइडन, ली, ऑटवे, इन्होंने बहुत सारे इंस्पिरेशन ड्यू किए फ्रॉम फ्रेंच न्यू क्लासिक ड्रामेटाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट से ऑनर और पैशन के बीच। जो रिस्टोरेशन ट्रेजेडी रही है ये टाइप्ड रही है बाई द ग्रैंड कैरेक्टर्स, एग्जेजरेटेड इमोशंस रहे हैं, मिरर्ड थीम्स रही है जो कि एक फ्रेंच वर्क में मिलती है, जैसे कि कोलोनाइल्स, ली सीन, और इन कॉन्ट्रास्ट रिटोरेशन जो कॉमेडी इमर्ज हुआ है एज अ मोर पॉपुलर एंड आर्टिस्टिकली सोफिस्टिकेटेड जॉनरा में। ये जो कॉमेडीज कही जा रही है कैरेक्टराइज है बाई विट एंड सोशल कॉमेंट्री जो कि सरपास ट्रेजिक काउंटर पार्ट इन पॉपुलैरिटी एंड आर्टिस्टिक मेरिट रही है। इससे आगे बढ़े तो जो शाओ की आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड रही है उसको अगर हम समझेंगे तो उसमें क्या कहा जाता है कि शाओ जो थे, बर्नार्ड शाओ जो थे, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे बाय वेरियस फिलोसफिकल एंड आइडियोलॉजिकल मूवमेंट्स इन हिज अर्ली ईयर्स। ही वॉज ड्रॉन टू लेफ्टिस्ट आइडियाज और साथ ही में उन्होंने अटेंड भी किया था लेक्चर बाय हेनरी जॉर्ज, जो कि हेनरी जॉर्ज भी आपको नाम मालूम होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम है, और वो लेफ्टिस्ट आइडिया को थोड़ा सा उन्होंने लेफ्टिस्ट आइडिया वो मानते थे, वो ड्रॉ करते थे, और ही बिकेम दी इन्वॉल्व किसके साथ, इमर्जिंग ट्रेंड के साथ जो कि यूनियन मूवमेंट फॉलो किया था थर्ड रिफॉर्म बिल इन 1884, डिस्कवरिंग दी फेबियन सोसाइटी और उसकी एडवोकेसी उन्होंने करी थी फॉर ग्रेजुअल सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। शाओ रियलाइज दैट इंस्टीट्यूशनल चेंजेस अलोन कुडंट सॉल्व सोसाइटल इशूज, ही बिलीव्ड इन द नीड ऑफ फॉर अ फंडामेंटल चेंज इन ह्यूमन नेचर। टर्निंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव एवोल्यूशन, शाओ ने इनविजन्ड किया इमर्जेंस ऑफ सुपीरियर ह्यूमन बींग्स एंड सुपरमैन। इन्फ्लुएंस्ड बाई थिंकर्स जैसे कि लैमार्क, बटलर एंड बर्जॉन, शाओ और भी वो गए थे जैसे डार्विनियन इवोल्यूशन टू एक्सप्लोर द आइडिया दैट इवोल्यूशन कुड बी विल्ड। ही ऑल्सो कंसिडर्ड स्कॉपनर्स कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्लाइंड विल एंड नीचे कॉन्सेप्ट ऑफ द सुपरमैन विद इन एंड कहाँ पे एंटी क्रिश्चियन मॉरल फ्रेमवर्क में। ठीक है, जो थर्ड टॉपिक रहा है द लाइफ एंड प्लेज ऑफ शॉ, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ जो थे उनका जन्म हुआ था इन टू एन इम्प्रोवाइज आयरिश प्रोटेस्टेंट जेंट्री फैमिली में जो कि डुबलिन में इन 1856। ऐसा स्पेकुलेट किया जाता है कि शायद वो सन ऑफ जॉर्ज जॉन वेंडलर ली के थे रैदर देन जॉर्ज कार शॉ के, क्योंकि ली जो था उनकी बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप थी शाओ के मदर के साथ। शाओ डेवलप्ड लव उनके लव किसके लिए, म्यूजिक के लिए, अपने अर्ली लाइफ में एज बोथ ली एंड मिसेस शॉ अर्न देयर लिविंग फ्रॉम इट। वो म्यूजिक से ही पैसे कमा रहे थे, फैमिली जो थी वो स्ट्रगल कर रही थी एग्जरबरेटेड बाय मिस्टर शॉ की एल्कोहलिज्म के वजह से। इंस्टिल्ड इन द यंग शॉ स्ट्रॉन्ग अवर्जन टू एल्कोहल,
वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे डुबलिन में. शॉ मूव टू लंडन सो दैट वो अपनी मदर और सिस्टर ल्यूसी को ज्वाइन कर सकते. फॉलोइंग द डेथ ऑफ अनदर सिस्टर एजेंट्स, उनके अर्ली ईयर्स में लंडन जो था वो एक मार किया जाता था बाय हार्डशिप एंड फेलियर, इंक्लूडेड जो उनकी फेलियर रही है 5 नॉवेल की. हाउएवर उनको सक्सेस मिला एज अ प्रोफेशनल रिव्यूअर एंड क्रिटिक फॉर वेरियस पब्लिकेशंस इंक्लूडिंग द पाल मॉल गैजेट एंड द स्टार. तो ये जो दो तीन टॉपिक्स मैंने अभी कराए ना आपको स्टूडेंट्स, ये यूनिट वन के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. फॉर फर्दर डिटेल्स डू विजिट आर ऑफिशियल वेबसाइट. आप प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो डेली बाइट्स, जहाँ पे आपको MEG से रिलेटेड सारे रिसोर्स मटेरियल मिल जाएंगे, लेक्चर सीरीज हो या फिर सॉल्व असाइनमेंट आपको मिल जाएगी. इसके अलावा अगर PDF वगैरह चाहिए तो MEG 500 का कोड लिख के आप भेजो हमारे कंसर्न व्हाट्सएप नंबर पर और हम आपको PDF शेयर करेंगे. अगेन आई एम मैंशनिंग फॉर क्विक एंड रेगुलर अपडेट्स डू ज्वाइन आर व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक इज ऑलरेडी मैंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स. थैंक यू.